हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए भी है, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइस, हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। इस वक्त में अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है, ये देखने की कोशिश करते हैं। अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या अपकमिंग इवेंट्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या न्यूज है, गुड न्यूज है, अबंडेंस, मिरेकल, लेट्स सी, अनएक्सपेक्टेड न्यूज। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। कंप्लीशन, बैलेंस, इम्पैस, विजडम, फेथ, सेल्फ वर्थ, इंस्टिंक्ट, रिकवरी, जॉय एंड वर्कहोलिक क्रिएशन। ओके डियर, सो काफी इम्पोर्टेंट रीडिंग निकल कर आई है। इस तरह की जब भी मैं रीडिंग अपलोड करती हूँ जरूर से जरूर देखें। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि इस रीडिंग से आपको हर दिन किस तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना है आपको पता चलता है। तो फर्स्ट कार्ड वी हैव कम्प्लीशन एंड सेल्फ वर्थ, एंड सेकेंड कार्ड वी हैव सेल्फ वर्थ। ओके, तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, कम्प्लीशन कार्ड बात कर रहा है कि अगले कुछ घंटों में ना आप, जैसे कोई बोलने वाला है कि यहाँ पर मुझे अब और दुखी नहीं होना है, एंड कहीं ना कहीं दुख को जैसे पूरी तरीके से आपने खत्म कर दिया है और उस दुख पर आप बहुत ज्यादा यू नो, पहले अगर बहुत परेशान हो रहे थे, दुख से बहुत दुखी थे, ठीक है, जैसे एक एक बात यहाँ पर बोलना चाहूंगी, जैसे दुख को आप बहुत ज्यादा संभाल कर अपने अंदर रखे हुए थे कि दुख को कष्ट नहीं होना चाहिए, मतलब दुख भी आप इस तरीके से अपने मन के अंदर रख लेते हो कि दुख को कष्ट ना हो, ठीक है, तो आप दुख को बाहर निकाल रहे हो क्योंकि एनर्जी है सेल्फ वर्थ की। देखिए, कुछ नेगेटिव चीजें अगर आपकी लाइफ में होती हैं और उनके बाद आपको कुछ पॉजिटिव मिल जाए तो डेफिनेटली इंसान थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आता है और पॉजिटिव पर फोकस करने लगता है। तो जब बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होता जाता है रिपीटेडली तो इंसान को कॉन्फिडेंस बनाना काफी मुश्किल हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो पर चला जाता है। बट यहाँ पर ये नजर आता है कि आपका कुछ अगले कुछ घंटों में आप जो भी काम कर रहे हो उसकी वजह से आप अपने आप में वर्दी फील कर रहे हो। तो जब आपको वर्थ फील हो रही होती है तो आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम से तो आप उभर ही जाते हो, जहां पर आपको ये लगता है कि चलो मैं किसी के ऊपर एटलीस्ट डिपेंड तो नहीं हूं। तो ये सेल्फ वर्थ की एनर्जी आई है। ये कार्ड बात कर रहा है कि यहां पर काफी सारे व्यूअर्स और जो भी व्यूअर्स यहां पर आ रहे हैं, न्यू आ रहे हैं रीडिंग में या फिर जो पुराने व्यूअर्स हैं, सब मुझे वर्थ की एनर्जी में नजर आते हैं। सेल्फ वर्थ ये होनी चाहिए, हर सोल के पास सेल्फ वर्थ होनी चाहिए, ठीक है। आप कोई भी हो, किसी के भी हस्बैंड हो, किसी की भी वाइफ हो, किसी के भी बच्चे हो, कोई भी हो, आप एक्स वाई जेड नाम आपका कुछ भी हो, लेकिन आपके पास वर्थ होनी चाहिए। आप अपनी लाइफ में किसी के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप कर रहे हो यहाँ पे। ओके, यहाँ पर कार्ड है बैलेंस का और इंस्टिंक्ट का। जब जब आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हो आप अपनी लाइफ में अच्छा बैलेंस क्रिएट करते हो, ठीक है। ज्यादातर समय अगर आप ये देखेंगे कि बाहर वाले क्या आपको बता रहे हैं, बाहर वालों की क्या राय है, बाहर वालों से पूछना चाहिए, तब तक क्या होता है ना कि आप अपनी लाइफ में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि आपके अंतर मन में कुछ और चल रहा है, बाहर वाले आपको कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में बैलेंस सिर्फ तभी क्रिएट होता है जब आप अपने आप को सुनते हैं या खुद के साथ बैठकर ये
पूछते हैं, आप अपने अंदर बात करते हैं, आपको पता चलता है कि आप अंदर से आपको क्या आ रहा है। जब आप उसको सुनते हैं तब आपकी लाइफ में ज्यादा बैलेंस क्रिएट होता है। तो यहां पर एक बात नजर आती है कि आप अपने इंट्यूशंस को सुनकर बैलेंस क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जितना आप अपने इंट्यूशंस के साथ जुड़े रहेंगे, उसको जितना ज्यादा आप फॉलो करेंगे, जो भी आपकी गट फीलिंग कहती है, आपकी लाइफ के हर एक मैटर में, हर एक चीज में, ठीक है, हर एक एरिया में आपकी खुद की इंट्यूशंस बहुत अच्छे तरीके से आपको बता देते हैं कि यहां पर क्या होने वाला है, और आपको भली भांति पता होता है, ठीक है। कोई आपकी लाइफ की प्रेडिक्शंस उस तरीके से नहीं कर सकता है, ठीक है, जो आपके आसपास के लोग होते हैं, जितना अच्छे से आप अपनी लाइफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उसको देखकर आप, मुझे लगता है, बैलेंस क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे। यहाँ पर एम्पैस का कार्ड है रिकवरी का, तो बहुत सारे लोगों के कनेक्शंस में हीलिंग हो रही है, उनके पार्टनर के साथ उनके कनेक्शंस हील हो रहे हैं, ठीक है। कनेक्शंस में भी बहुत ज्यादा, यू नो, कोई इंसान, एक इंसान बहुत ज्यादा अच्छा और एक इंसान बहुत ज्यादा बुरा नहीं होता है, ठीक है। दोनों कुछ ना कुछ चाहते हैं, और जब एक दूसरे के हिसाब से आप काम नहीं करते हो तभी यहां पर कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि अब दोनों ने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस को आमने सामने रख दिया, जो सामने वाला पूरा नहीं कर पा रहा है और वो इंसान भी पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसको लगता है कि चलो इससे बेटर कुछ देखते हैं, तो कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो यहां पर आपका कनेक्शन हील होते हुए नजर आ रहा है, तो कनेक्शन ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो कनेक्शंस में निकल कर आती है वो हीलिंग के लिए निकल कर आती है। अगर आप अपने कनेक्शन को हील करते हैं, आप अपने छोटे छोटे इश्यूज पर काम करते हैं, तो आपका कनेक्शन हील हो सकता है यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। तो आपके पार्टनर का भी एक अच्छा बिहेवियर आप अगले कुछ घंटों में अपनी तरफ देखेंगे। विजडम एंड जॉय, देखिए, जो अपनी नॉलेज के साथ जिंदगी में आगे बढ़ता है वो खुशी से जिंदगी को जीता है, और जो एक, यू नो, कहते हैं कि जिंदगी को विजडम के साथ ना जीकर सिर्फ एक रेस की तरह जीता है, या फिर ऐसे जीता है कि यू नो, मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, वो करना है, ठीक है, अगर आपके पास ज्ञान है और आप चीजों को डीपली जाकर अपनी लाइफ में कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा डीपली जा रहे हो और चीजों को समझ रहे हो, आपको पता है कि आप सही जगह पर हो, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना पा रहे हो, आपके पास जो भी ज्ञान है, तो आप जो भी कर रहे हो आप उसमें खुशी महसूस कर सकते हैं। अगर आपके अंतर मन में खुशी नहीं है, बाहर से आपको कितनी भी खुशियां दे दी जाए, आप कभी खुश नहीं हो सकते। आप तभी खुश हो सकते जब आप अंदर से खुशी फील करेंगे, और आप अंदर से तभी खुशी फील करेंगे जब आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, जब आप ये देखेंगे लाइफ में कि आपके इंट्यूशंस आपकी पर्टिकुलर चीज के लिए क्या बोल रहे हैं, और आपके पास उस चीज से रिलेटेड कितनी नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि सबकी नॉलेज अलग अलग होती है, सब कुछ नहीं जानते, ठीक है, और जरूरी नहीं कि जो आप जानते हो वो सामने वाला जानता हो, ठीक है, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि जो सामने वाला जानता हो वो आप जानते हो। सो अपनी विजडम के अकॉर्डिंग आपको कितना समझ में आता है, जब उसके हिसाब से आप जिंदगी को जीते हैं तो आप जिंदगी खुशी के साथ जीते हैं, क्योंकि आप अंदर से कहीं ना कहीं चीजों को लेकर सेटिस्फाइड होते हैं। तो ऐसी वाली एनर्जी आप लोगों की रहने वाली है। यहां पर फेथ का कार्ड है एंड वर्कहोलिक का कार्ड है, तो आप, यू नो, यूनिवर्स पर काफी ज्यादा आपका फेथ है, ठीक है, जो भी चीजें आप मांग रहे हो, जैसे भी मांग रहे हो, लेकिन यहां पर ये नजर आता है कि आपको भरोसा है कि कुछ होगा आगे चलकर, या फिर आपको आपकी चीजें मिलेंगी, ठीक है, आपको विश्वास है, और विश्वास में बहुत ताकत होती है, जिसको भरोसा है कि वो कर लेगा या फिर होगा उसका एक दिन, उसका जरूर होता है, ठीक है। और यहां पर इस चीज से रिलेटेड काफी मैंने, यू नो, काफी मुझे बताने का मन हो रहा है, लेकिन रीडिंग लंबी हो जाएगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। तो यहां पर ये नजर आता है फेथ कार्ड के साथ कि आप लोग काफी भरोसा बनाए हुए हो और अपने काम पर ध्यान दे रहे हो। लाइफ के अंदर जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उन्हें सरेंडर कर दो, उन पर हाथ मारने की कोशिश मत करो कि इसको मैं सुलझा लूं, ठीक है। जहां पर आपको लगता है कि ये मेरे हाथ में है ही नहीं, इसको मैं नहीं सुलझा सकता, उसको छोड़ दो, जो आपके हाथ में है आप वो करो, ठीक है। तो जब आपको जिस चीज का मौका मिलता है, जो काम करने के लिए कहा जाता है, आप सिर्फ वो करिए, बाकी को, बाकी इसको हम कहते हैं कर्म योगी, ठीक है, कर्म करके उसके फल के प्रति आसक्ति ना रखना। मतलब कहने का है कि उस चीज के रिजल्ट के प्रति आपका जितना ज्यादा वो होगा कि मुझसे इतना रिजल्ट चाहिए, ऐसा रिजल्ट चाहिए, ये चीज आपके मन में कभी सुकून नहीं आने देगी। तो यहां पर ये नजर आता है कि आप काम कर रहे हो, फेथ बनाया हुआ है, और आपको ये भी विश्वास है कि आप जो भी पाना चाहते हो, जैसी भी आपकी इंट्यूशंस हैं, जैसे भी आप मैनिफेस्ट करते हो, जैसा भी आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, वो डेफिनेटली क्रिएट होगा। क्रिएशन का कार्ड दिखाता है कि जो भी आप पाना चाहते हो ना, जितना आप पाना चाहते हो उतना आप पा लेते हो, जस्ट आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी अगर इम्बैलेंस होती है तो आपकी मैनिफेस्टेशंस में डिले होता है, ठीक है। तो आपको कभी कभी शांति से
सिर्फ अपना काम करना होता है, विश्वास रखना होता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट होती है एंड वो सही टाइम पर ही कंप्लीट होती है, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव रहकर ही मैनिफेस्ट करना पड़ता है, और 100% एनर्जी आपको अपनी उस जगह पर लगानी पड़ती है जहां पर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको अपनी एनर्जी इसको 25-25-30 ऐसे बांटना नहीं है। जो भी पाना चाहते हो उस पर 100% एनर्जी लगा दो, वो चीज मैनिफेस्ट होती है। तो यहां पर कुछ लोग कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे अगले कुछ घंटों में, मतलब आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और स्पेशली मुझे आपके करियर में ये चीज नजर आ रही है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ आप नया करना चाहते हो, आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया है कि मेरे लिए कुछ डोर्स ओपन हो, मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूं, तो वो चीजें आपको दिखाई देंगी। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज देकर रात में सो सकते हैं कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज बनाओ, ठीक है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देकर 10-15 मिनट सोइए कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज बनाओ, करियर में और अपॉर्चुनिटीज बनाओ। आपके लिए वो चीजें रियलिटी में क्रिएट करेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा पावर होती है, ठीक है। तो ये चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। जो करते हैं अच्छी बात है, जो नहीं करते, जो नए आते हैं, उनको मैंने एज अ गाइडेंस ये बता दिया, और देखते हैं क्या निकल कर आता है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जो भी हैं, इनकी लाइफ में अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। थिंकिंग मैन, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, सेकेंड चक्रा, एंजाइटी, थिंकिंग वुमेन, डोर टू स्पिरिट, थर्ड चक्रा एंड हैप्पी फैमिली, सिक्स चक्रा। ओके, मुझे ये नजर आता है कि अगले कुछ घंटों में कोई आपके बारे में सोच रहा है, और किसी के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपके बारे में सोच रहा है और आप किसी के बारे में, तो जिस भी कनेक्शन के साथ आप डील कर रहे हैं, आई थिंक आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो भी हैं, वो आपके बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हैं अगले कुछ घंटों में, एंड आप भी मुझे उनके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हो। ओके, यहां पर ये भी नजर आता है कि जो भी तूफान आपकी जिंदगी में चल रहा है, वहां पर आपको स्पिरिट्स का बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन है। अगले कुछ घंटों में डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, ये कार्ड बात कर रहा है कि अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ में स्पिरिट्स का बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन है, ठीक है। जब भी आपकी लाइफ में कोई तूफान आता है, आपको एंजल नंबर्स शो होने लगते हैं। एंजल नंबर्स अगर दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ यूनिवर्सल एनर्जीज, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, ठीक है, वो आपके आसपास मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको कुछ हार्म नहीं पहुंचने देंगे, मतलब वो आपको किसी भी तरीके का कोई तकलीफ आने नहीं देंगे, ठीक है। वो आपको कोई भी एनर्जी से, जो भी एनर्जी नेगेटिव है आपकी तरफ आने की कोशिश कर रही है, उससे आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो एंजल नंबर्स दिखने का मतलब ही होता है यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। एंजल नंबर्स आपको ऐसे ही नहीं दिखते, जब दिखते हैं एंजल नंबर्स तो वहां पर सबसे पहला मैसेज, कोई भी एंजल नंबर अगर आपको बार बार दिख रहा है तो वो एक पर्टिकुलर मैसेज होता है आपके लिए कि आप गाइडेड हैं और प्रोटेक्टेड हैं। आपकी तरफ आने वाली हर चीज को हम रोक रहे हैं और आप तक कुछ भी ऐसे ही नहीं पहुंच सकता है। तो कुछ एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज, जिनको आपके स्पिरिट गाइड्स बोला जाता है, वो आपके आसपास मौजूद होते हैं। और जितने लोग स्पिरिचुअल जर्नी का स्पेशली पार्ट होते हैं, उनको यहां पर ये उनकी गाइडेड जर्नी होती है, तो कहीं ना कहीं उनको स्पिरिट का बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन मिलता है। तो आपकी लाइफ में अगर एक बहुत बड़ा तूफान इस वक्त में चल रहा है, या फिर अगले कुछ घंटों में अगर आप ऐसा फील करते हैं, कुछ लोगों के लिए एनर्जी है जो ये फील करते हैं, तो वो ये मान सकते हैं कि उनके लाइफ में इस वक्त में स्पिरिट्स का स्ट्रांग प्रोटेक्शन है और वो गाइडेड हैं और उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अभी कुछ समय तक आपकी लाइफ में आपको ऐसा फील हो सकता है कि सब बिखर गया है, लेकिन यकीन मानिए चीजें अपने आप अलाइनमेंट में आ जाती है एक समय के बाद, एंड आप अपनी लाइफ में जहां पर आपकी जो गाड़ी थी पटरी पर से उतर गई है, वो वापस से सही ट्रैक पर आ जाती है और आप सीधे रास्ते चले जाते हैं। तो ये चीज नजर आती है। यहां पर कार्ड है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल एंड थर्ड चक्रा आर्कएंजल कम्यून। सो काफी सारे लोगों की लोअर चक्रास में हीलिंग नजर आती है, ठीक है। लोअर चक्रास काफी अच्छे से हील हो रहे हैं, तो आपके हेल्थ इश्यूज, आपके फियर इश्यूज, आपके जितने गिल्ट इश्यूज, शेम इश्यूज हैं,
ठीक है, आपकी प्राइड वाली एनर्जी है, आपका आपका क्रिएटिव साइड एक्टिव हो रहा है, मतलब जो भी इश्यूज आपके अंदर हैं वो यहाँ पर हील हो रहे हैं, ठीक है, आपके ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, आपके लोअर चक्रास यहाँ पर हील होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ऑल्सो आपको काफी ज्यादा ज्ञान नॉलेज, ठीक है, आपके इंट्यूशन साइकिक पावर्स इंक्रीज हो रही हैं, तो आपका थर्ड आई भी मुझे नजर आता है कि काफी ज्यादा हील हो रहा है। यहाँ पर कार्ड है एंजाइटी एंड हैप्पी फैमिली, सो यहाँ पर ये भी नजर आता है कि आप अगले कुछ घंटों में फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करने वाले हैं, आप एंजाइटी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, आप अकेले रहते हैं उतनी समय एंजाइटी में रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं तो आप टाइम स्पेंड करते हैं, खुश रहते हैं, ऐसा नजर आता है। एनर्जीज तो काफी अच्छी निकल कर आई हैं। ओके, अगेन किंग ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट, एस ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, चैरियट, टेन ऑफ वॉन्स एंड फोर ऑफ कप्स। वाओ, काफी अच्छी एनर्जी निकल कर आई है गाइस। कोई आपकी तरफ जेस्चर कर सकता है अगले कुछ घंटों में, जो इंसान आपके लिए बहुत इमोशनल है, प्यार करता है आपसे, आपको चाहता है, ठीक है, चाहती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आ जाए अगले कुछ घंटों में, ठीक है, कोई आते हुए नजर आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस से आते हुए नजर आ रहा है, जिसमें आप में और उस इंसान में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, किसी तरीके का कास्ट डिफरेंस हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली स्टेटस में डिफरेंस हो, पर कोई रिश्ता आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहा है, या फिर कोई आपको ऑनलाइन प्रपोज कर सकता है, कोई फ्रेंडशिप के लिए बोल सकता है। बहुत जो भी इंसान है काफी इमोशनल है, काफी स्पिरिचुअल है, बट एक एनर्जी फील होती है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स की, आप डिनाइल मोड पर हो डियर। अगले कुछ घंटों में आप मुझे किसी भी रिश्ते के लिए, किसी भी फ्रेंडशिप के लिए मुझे रेडी नजर नहीं आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड बात कर रहा है कि ये क्वीन इस वक्त में बाउंड्री सेट किए हुए है और इसको अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए, चाहे कोई न्यू पर्सन हो, चाहे कोई एक्स पर्सन हो, या फिर कोई ऑनलाइन आपको प्रपोज कर रहा है, कोई शादी का रिश्ता आ रहा है, या फिर आपके मैरिड पार्टनर है जो वो आपकी तरफ आ रहे हैं, बट ये क्वीन किसी पर अभी ट्रस्ट नहीं कर रही है, इसने एक बाउंड्री सेट कर रखी है कि मेरी तरफ कोई नहीं आ सकता है। तो जब आप बहुत स्ट्रांग होते हैं और जब आप ऐसा अपनी लाइफ में जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, तो आप ऐसी बाउंड्री को सेट कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी को भी आने से रोक सकते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये कार्ड जब आता है तो हम कहते हैं बाउंड्री सेट की, तो बाउंड्री का मतलब क्या है? देखिए, बाउंड्री का मतलब है कि आप सोल लेवल पर भी लोगों को रोक सकते हो अपनी लाइफ में आने से। ठीक है, आसपास आपके मैट्रिक्स में जो लोग आ रहे हैं उनको तो आप मना कर दोगे कि मेरी तरफ मत आओ, लेकिन आप सोल लेवल पर भी काफी सारे लोगों को रोक सकते हो। जो आप बाउंड्री सेट करते हो ना स्ट्रांग, वहां पर ये चीज है कि अभी आप रेडी नहीं हो किसी भी कनेक्शन में जाने के लिए, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि इस वक्त इस क्वीन को टाइम चाहिए। ठीक है, बहुत अपने आप में कठोर हो गई है ये। ठीक है, मतलब आप लोगों की जो एनर्जी थी वो क्वीन ऑफ कप्स की आती थी अक्सर करके, तो आप उस समय बहुत लविंग एनर्जी में थे, बट जैसे जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप काफी प्रैक्टिकल हो गए हैं, लॉजिकल हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं, तो अब इस क्वीन ने क्या किया है, अपने चारों तरफ एक बाउंड्री सेट कर दी है, जहां पर लव प्रपोजल्स के लिए ये जो क्वीन है वो अभी रेडी नहीं है। मतलब आप में से काफी सारे लोग अभी किसी लव प्रपोजल के लिए रेडी नहीं हो, किसी की फ्रेंडशिप के लिए रेडी नहीं हो, किसी रिश्ते के लिए रेडी नहीं हो। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम चाहिए, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। एंड एस ऑफ वैंड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहे हैं कि इस वक्त में आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना चाहते हो। ठीक है, और लव की अगर मैं बात करूं, मैरिज की बात करूं, तो इसके लिए अभी फिलहाल आप रेडी नहीं हो। काफी सारे लोग अंतर मन से रेडी नहीं है। ये रेडी का मतलब होता है कि आप अंतर मन से स्वीकारण में है या नहीं, आप एक्सेप्टेंस में है या नहीं कि मुझे चाहिए ये चीज चाहिए, या फिर ये कनेक्शन चाहिए, या फिर ये इंसान चाहिए, या फिर शादी करनी है, तो आप फुली 100% एक्सेप्टेंस में नहीं है। इसका इस कार्ड का मतलब यही निकल कर आ रहा है अभी। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट करता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरी रीडिंग अगर मैं बात करूं तो करियर बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि आपका फोकस उसी पर ज्यादा है इस वक्त में, आप लव को चांस देना नहीं चाह रहे। ठीक है, ना एक्स को, ना नेक्स्ट को, ना ही फिर किसी मैरिड पार्टनर को, ना ही किसी मैरिज के लिए, ऐसा कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, सो गाइज, ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।